अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन आज कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय के सामने अनूठा प्रदर्शन किया। योग दिवस पर गैस सिलेंडर पर बैठकर योग किया, वही हाथों में तख्ती लिए बैठे हुए थे कांग्रेस के कार्यकर्ता। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया, हाथों में तख्ती लिए गैस सिलेंडर पर बैठकर योगा किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बताया कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का योगा चल रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले से लेकर बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जिसमें प्रदेश सरकार की नाकामयाबियों को हम आज बता रहे हैं। योग दिवस के अवसर पर कांग्रेस के प्रवक्ता अविनाश ने बताया कि मध्य प्रदेश में चाहे व्यापम घोटाला हो, नर्सिंग घोटाला हो, महाकाल लोक घोटाला हो या सतपुरा में आगजनी हो, ऐसे तमाम घोटाले हैं जो आज हम योग दिवस के अवसर पर प्रदर्शन कर योग के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं और तमाम ऋषि मुनि योगिक परंपरा के तमाम ऋषि मुनियों के चरणों में वंदन करते हैं। सिलेंडर पर बैठकर और ये अनोखा प्रदर्शन करने की आज नौबत क्यों आई? जिस प्रकार से खाद्य पदार्थों के दाम हो, सिलेंडर के दाम हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो, लगातार आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, महंगाई दर कम होने का नाम नहीं ले रही। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से घोटाले सामने आ रहे हैं, चाहे कारामान घोटाला हो, महाकाल लोक कॉरिडोर घोटाला हो, सतपुड़ा भवन में आगजनी का मामला हो, चाहे नर्सिंग घोटाला हो, आयुष्मान घोटाला हो, जिस प्रकार से लगातार घोटाले सामने आए, उस पर इस गूंगी बहरी सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षण करने के लिए, क्योंकि योग दिवस उनके सपनों का दिवस है, योग दिवस उनकी परिकल्पना है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर सभी का ध्यान आकर्षण करने के लिए अनूठा कार्यक्रम किया है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी गणों ने। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।